जय माता दी, जय मां कामाख्या। नव दुर्गा की आराधना करने का अर्थ है काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तृष्णा, राग द्वेष आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति है उनका हनन करना, यानी समाप्त करना, या इनको देवी शक्तियों को अर्पण करना। मनुष्य के शरीर के साथ, मनुष्य की आत्मा के साथ ये राक्षस चलते हैं, जिनको हम चंडमुंड कह सकते हैं, रक्त बीज कह सकते हैं, महिषासुर कह सकते हैं, धूम्रलोचन कह सकते हैं। यदि ये तो राक्षसों के नाम है, परंतु इन्हीं राक्षसों का अर्थ जो है आध्यात्मिक रूप में काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा और राग द्वेष है। इसलिए इनको नव दुर्गा में मां को अर्पण करें तो राक्षसों का वध हो, और जब राक्षसों का वध होगा तो आप सुख समृद्धि और शांति के साथ रह सकते हो। जिस प्रकार हम मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं वह चलती रहती है, मोबाइल चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर चलता फिरता मोबाइल है। इसमें आत्मा नाम की एक चिप लगी हुई है और इस मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी का चार्ज होना भी आवश्यक है। अतः 9 दिन तक हम इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करें। मोबाइल यानी चलता फिरता यह मनुष्य का शरीर है, इसमें आत्मा नाम की एक चिप लगी हुई है। इस आत्मा को रिचार्ज करना होगा जिसका कनेक्शन उस कंपनी से है जो परमात्मा है, तो उसको जितना ज्यादा रिचार्ज करोगे परमात्मा की कृपा उतनी ज्यादा उतने लंबे समय तक चलेगी, जिससे आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, आप निरोगी रहोगे। तन मन बुद्धि तीनों की शुद्धि नव दुर्गा के उपास करने से हो जाती है। निर्गुण अविनाशी साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका मंगलमयी भगवती पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदि माया भवानी की उपासना से मनुष्य कृत्य कृत्य धन्य हो जाता है, उसके कोई कार्य शेष नहीं रहते हैं। नवदुर्गा की उपास करने से विषाक्त पदार्थों से मुक्ति मिल जाती है। नवदुर्गा में मौन रहना चाहिए जिससे वचन में शुद्धता आती है, और नवदुर्गा में ध्यान करना चाहिए जिससे आत्म साक्षात्कार होता है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन करने से मनुष्य को सुख समृद्धि शांति और निरोगी काया प्राप्त होती है। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि कुछ कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। अब ऐसी कौन सी कन्या जिनका पूजन नहीं करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किन किन कन्याओं का नव दुर्गा में पूजन करना चाहिए जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, अन्यथा पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। फिर आप कहते हैं सब हमने 9 दिन तक उपास किए, 9 दिन तक त्याग तपस्या की, 9 दिन तक हमने हवन पूजन किया, परंतु देवी मां ने हमें कृपा प्राप्त नहीं की। तो कुछ नियम है, आप उन नियम कानून का पालन करना होगा तो आपको कन्या पूजन का फल मिलेगा, अन्यथा फल प्राप्त नहीं होता है। अब जिस कन्या का अंग में कमी हो उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। अंग में कमी का मतलब हो गया शरीर में किसी भी प्रकार से कोई चीज की कमी हो, एक आंख हो, एक नाक हो, कान में गड़बड़ी हो, हाथ टूटा हुआ हो, पैर टूटा हुआ हो, अंग भंग हो, ऐसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। किसी के अंग में विशेष प्रकार का छेद हो उस कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए। जो कन्या रोज स्नान नहीं करती हो, दुर्गंध युक्त हो, उस कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। जो कन्या नीच कुल में उत्पन्न हुई हो उस कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि आस पड़ोस की और जान पहचान वालों की कन्या का ही पूजन करना चाहिए, ताकि आपको ये मालूम चले कि वह नीच कुल में तो उत्पन्न नहीं हुई है।
कोई अंधी कन्या हो, तिरछी नजर वाली कन्या हो, काणी हो, कुरूप हो, ऐसी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। बहुत रोम वाली रोगिणी हो, रजस्वला कन्या हो, अत्यंत दुर्बल कन्या हो और एक वर्ष की कन्या हो, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा स्त्री से जिस कन्या का जन्म हुआ हो उस कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। अब बहुत से कुछ तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले में हैंगे जो कहेंगे कि साहब कन्या तो कन्या है, देवी स्वरूपा है, अब वो चाहे विधवा स्त्री से उत्पन्न हो या परित्यक्ता स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हो, वो तो है तो कन्या। परंतु शास्त्र कहता है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण कहती है कि विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। अब आपको मालूम नहीं होता, आप आस पड़ोस वालों की कन्याओं को बुला लेते हैं, किसी स्कूल से कन्याओं को बुला लेते हैं और उस कन्या का पूजन कर देते हैं। अब वो हो सकता है वो कन्या किसी विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुई हो। क्यों? कि जो कन्या गर्भ में आने के बाद में अपने पिता को खा गई हो या अपने पिता की मृत्यु का कारण बनी हो और बाद में उस विधवा स्त्री ने उस कन्या का जन्म दिया हो, तो वो तो बिना पिता के उत्पन्न हुई, यानी अभागी तो हो ही गई है, तो अभागी कन्या का भी पूजन नहीं किया जाता है। विवाह से पहले माता के गर्भ से जन्म जो कन्या ले चुकी हो, यानी कुंवारी माता के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई हो, उस कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। अब आपको मालूम नहीं होता है, जब कन्या पूजन करते हैं तो भैया कन्या को बुला लो तो कन्या आ जाती है, आप उनका पूजन कर देते हैं। पर आपको नहीं मालूम कि कौन सी कन्या विधवा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुई है, कौन सी कन्या विवाह के पहले ही उत्पन्न हुई हो। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसी कन्या का पूजन करें जिस कन्या के माता पिता के बारे में आप जानते हो, आस पड़ोस जान पहचान वाले, अपने रिश्तेदार वाले या अपने या कर्मचारी काम करने वालों की कन्या का पूजन करना चाहिए। अब यह कैसे पता चलेगा कि यह दोष है? इसलिए जान पहचान वाले की कन्या ही लाना चाहिए, उन्हीं का ही पूजन करना चाहिए। कलयुग है, इस कलयुग में आजकल बहुत सी माताएं विवाह के पहले ही गर्भ धारण कर लेती है, कुछ तो कन्याओं को गर्भ में ही मार देती है, कुछ पैदा करने के बाद छोड़ देती है। इसलिए जिस बालिका ने जन्म लेने के बाद में माता का त्याग हो चुका हो, पिता का त्याग हो चुका हो, जो अनाथ आश्रम में पल रही हो, किसी ने गोद ले लिया हो, ऐसी कन्या का भी पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? कि उस कन्या के माता पिता का त्याग हो चुका है। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए जिन कन्याओं का चयन करें उनकी आयु 2 वर्ष से कम न हो और 10 वर्ष से ज्यादा न हो, ये उम्र का लिहाज इसलिए निर्धारित किया गया है कि कलयुग में कन्या बहुत जल्दी रजस्वला से हो जाती है। इसलिए जो बताई गई है उन कन्याओं का पूजन न करें। कन्या पूजन के लिए जल छिड़क कर रोली अक्षत से पूजन करना चाहिए, उन्हें मीठा भोजन कराना चाहिए, भोजन के उपरांत पैर छूकर यथाशक्ति यथा योग्य दान और भेंट देना चाहिए जिससे वह प्रसन्न हो सके। ऐसी मान्यता है कि हवन जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। शास्त्र में कन्या का अर्थ ऐसी बच्ची से है जो मासिक धर्म से न हुई हो, जो रजस्वला से न हुई हो, वह कन्या कहलाती है। परंतु शास्त्र में लिखा है सिर्फ 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। यदि कोई कन्या कन्या ही है परंतु 11 वर्ष की हो गई है तो उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम ह्रीं दुन दुर्गाय नमः।